Next question. An ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c is equal to 2 pi r, where r is the radius of the circle. देखिए एक ant कोई एक फूड पीस लेके जा रही है और उस फूड पीस को वो डिफरेंट शेप्स के अंदर लेके जा रही है, तो हमें ये बताना है कि वो जो फूड पीस लेके जा रही है कि उसको किस शेप के अंदर ज़्यादा लंबा लंबा राउंड लेना पड़ा, हमें ये बताना है इसके अंदर। तो देखिए फर्स्ट फिगर, अब जब वो इस तरीके से चल रही है, बाउंड्री पे चल रही है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पैरीमीटर। अब हमें पता है सर्कल, ये देखिए ये इस तरीके से, ये देखिए ये हाफ सर्कल हमें शो हो रहा है, ये तो ये क्या होगा हमारा सेमी सर्कल, और सर्कल के केस के अंदर हम लोग पैरीमीटर की जगह कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, देखिए सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है, तो इसका हाफ कर देता है, 2 से 2 कैंसिल, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई, पाई आर। अब देखिए आंट पहले इस तरीके से चली, ठीक है, पाई आर प्लस, फिर आंट इस तरीके से गई 2.8। तो देखिए पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर 2.8 प्लस पाई आर, पहले ये गई और फिर उसने सेमी सर्कल की शेप में टर्न किया, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट शेप है हमारी, नेक्स्ट शेप देखिए आप, ये 1.5 है, तो ये भी कितनी हो गई 1.5, ठीक है, और ये कितनी हमारी 2.8। पहले आंट इस तरीके से गई 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, देन टेक अराउंड इन सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, पाई आर। सी 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस पाई आर। लास्ट फिगर देखिए, पहले इस तरीके से गई, कोन की शेप नज़र आ रही है आपको इस तरीके से, 2 प्लस 2 देन इन सेमी सर्कल, 2 प्लस पाई आर प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप लोग देख के बता सकते हैं। फर्स्ट शेप का हमारा पैरीमीटर आया 7.2, सेकंड शेप का पैरीमीटर आया हमारे पास 10.2, थर्ड शेप का आया हमारे पास 8.4। तो क्लियरली वी कैन सी दैट आंट टेक अ लॉन्गर राउंड इन सेकंड शेप।